चलिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला क्योंकि मैं आपके लिए टाइम कंपनी का पंखा लेकर के आ गया हूँ। टाइम कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, जैसे कि टेबल फैन हो गया, हीटर हो गया, सीलिंग फैन हो गया और बहुत सारा टाइम कंपनी का प्रोडक्ट हमको देखने को मिल जाता है। टाइम कंपनी के ऊपर में हमको 2 साल का गारंटी देखने को मिल जाता है। टाइम कंपनी हमको डायरेक्ट 2 साल का गारंटी देता है। उस दौरान अगर पंखा खराब हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, कैसे पे खराब हो जाता है तो आपको नया सामान मिल जाएगा। यह पंखा हमको कॉपर वाइंडिंग में देखने को मिल जाता है और इसका अगर कलर का बात करो मल्टी कलर में हमको देखने मिल जाता है। अभी मेरा जो पंखा है नॉर्मल पंखा है, जैसे कि बहुत सारे पंखे में डिजाइन वगैरह हमको देखने को मिल जाता है, इस पंखे में ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा फैन नॉर्मल डिजाइन का दे दिया है, देख सकते हैं ये हमारा फैन है गाइस और ये इसका ब्लेड है। और इस अगर साइज की बात करूँ हमको 1200 mm में देखने को मिल जाता है। यह फैन हमको सिंगल स्टार रेटिंग में देखने को मिल जाता है। बहुत सारा फैन रहता है आपको 2 स्टार 3 स्टार में भी देखने को मिल जाएगा। चले गए इसको खोल लेते हैं। खोलने के लिए कुछ काटने का ले लेते हैं, जैसे मैं इसे अभी काट लेता हूँ। वैसे इसके ऊपर में एक हमारा इसको पकड़ के रखने के लिए दे दिया है, इस टाइप के इसको खोल लेंगे गाइस। यह फैन हमारा खुल गया, आप देख सकते हैं। इसके साथ में छोटा सा लटकाने की डंडी दे दी है गाइस। इसके अंदर में 2 कवर दे दिए हैं, आप देख सकते हैं गाइस। इसमें भी टाइम कंपनी का लोगो मेंशन कर दिया है। एक आपका टॉप के लिए रहेगा और आपका बॉटम के लिए रहेगा। अरे उतना अच्छा क्वालिटी का तो नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा पतला दे दिया है। एक इसके साथ में नट बोल्ट दे दिया है जो कि आपका टॉप में लग जाता है। एक इसके साथ में वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं कि इसमें आपका टाइम कंपनी का ही वारंटी कार्ड इसमें आपका अप्लाई हो जाएगा। इसके पीछे में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा प्लेइंग साइड दे दिया है। जब भी आप परचेस करेंगे गाइस आपका परचेस डेट यहाँ पर लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा और जो देने वाला रहेगा उसका साइन ऑफ सिग्नेचर इसमें हो जाता है। जब भी इसका गारंटी क्लेम करेंगे गाइस इस बिल का आपको जरूरत पड़ेगा, तभी जा करके आपका गारंटी क्लेम हो जाएगा। ये इस फैन का मेन यूनिट है गाइस, देख सकते हैं ये हमारा, इसको भी खोलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा पैकिंग में ये फैन हमको देखने को मिल जाता है गाइस, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस ये हमारा मेन यूनिट है हमारा पंखे का और इसको अभी थोड़े टाइम में आपको मैं अपने घर में ही इंस्टॉल करके आपको दिखा दूंगा। आपको मैं इसका ब्लेड भी दिखा देता हूँ गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये ब्लेड लगा हुआ है। इसको भी खोल लेते हैं, इसमें भी हमारा टेप का लॉकिंग सिस्टम दे दिया है। इसका साइज आपको बता देता हूँ गाइस, ये हमारा 1200 mm का हमारा इसका साइज दे दिया है। इस टाइप का भी हमारा कार्टून पैकिंग में देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा आपका ब्लैक ब्राउन डिजाइन का हमको देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई भी डिजाइन वगैरह दिया नहीं है। आप अगर इस फैन में अगर डिजाइन में देखने जाएंगे तो आपको यहाँ पर से आपको डिजाइन देखने को मिलेगा और इस मेन यूनिट फैन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं गाइस हमारा फैन का मेन यूनिट है और आप देख सकते हैं इसमें कॉपर वाइंडिंग का इसमें मेंशन भी किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर में जो हमारा वाइंडिंग हुआ है वो कॉपर वाइंडिंग का है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ओके टेस्टेड करके और कुछ डेट वगैरह भी इसमें लिखा गया है और यहाँ पर आपको कुछ कुछ सीरियल नंबर और इस आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस हमारे इसमें नेम प्लेट को भी इसमें दे दिया है। इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन टाइम कंपनी का है गाइस, सिंगल फेज 220 वोल्ट 230 वोल्ट में चलने वाला गाइस, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई में बहुत ही अच्छा सीलिंग फैन है गाइस। आप देख सकते हैं इसका अगर इस साइड का अगर बॉडी का आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं गाइस इसका ये बैक साइड का है। आपको एक यहाँ पर सब कलर डिजाइन देखने को मिल जाएगा, ये आपको सिंपल डिजाइन में देखने को मिल जाता है, सब देख सकते हैं। और इसमें जो कैपेसिटर यूज हुआ है गाइस ये हमारा 2.2 का माइक्रोफैरेड का है। जो नट देख रहे हैं इसमें हमारा फैन का ब्लेड लग जाएगा आपका 1, 2 और 3। चलिए गाइस फाइनली इस फैन को मैं एक बार आपको फिट करके चला करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो मेरा अभी फैन लगा हुआ है ये फैन मेरा भी खराब हो चुका है और इस फैन की जगह मैं अपने अभी जो नया टाइम कंपनी का फैन लेकर के आया हूँ उसको मैं आपको रिप्लेस करके दिखा दूंगा गाइस। और इसका मैं स्पीड आपको भी एक बार चलाकर दिखा दूंगा, बहुत ही अच्छा आपका स्पीड इसमें देखने को मिल जाता है। 2 साल की गारंटी होने की वजह से ये फैन अभी बहुत मार्केट में चल रहा है गाइस, आपके तरफ आप चेक कीजिएगा आपके तरफ ये फैन आपको भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और मिल रहा है तो कितना मिल रहा है मेरे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए गाइस इस फैन को निकालने के लिए सबसे पहले मैं अपना चढ़ने के लिए व्यवस्था जमा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी लॉन्ग सीढ़ी वगैरह दिया नहीं है। तो मैं अपने 2 टेबल को लगा करके इसमें भी चढ़ करके इस फैन को पहले निकालूंगा, फिर अपना जो नया फैन है इसको एक बार लगा लूंगा। इसमें जो पुराना जो डंडी लगा हुआ है उसको मैं चेंज नहीं करूंगा गाइस, उसको चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं अपना नीचे का जो मेन यूनिट जो फैन है उसको बस चेंज करूंगा, उसके लिए मैं इस टेबल फैन में चढ़ जाता हूँ गाइस। और चढ़ने के बाद में इसको मैं एक बार आपको लगा करके दिखा देता हूँ। फाइनली मेरा फैन इंस्टॉल हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर का आपको देखने को इसमें मिल जाता है। और यहाँ पर जो मेरा बोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर में एक
स्विच है और एक हमारा फैन रेगुलेटर लगा हुआ है। मैं रेगुलेटर से इसका आरपीएम को कम ज्यादा करके आपको दिखा दूंगा। इसके डंडी को मैं थोड़ा सा बड़ा रखूंगा क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा जो छत का हाइट है वो थोड़ा सा ज्यादा दे दी है, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा इसका जो डंडी है ओरिजिनल डंडी उसको नहीं लगा रहा हूँ इसके अंदर में। इससे पहले मेरा जो पहले का जो डंडी लगा हुआ था मेरा थोड़ा सा बड़ा साइज का लगा हुआ था, इसलिए मैं अपने बड़ा साइज की डंडी में इसको इंस्टॉल कर दिया हूँ। ये जो हमारा 10 कंपनी का फैन है हमको 55 वाट में देखने को मिल जाता है। चलिए गाइस आज की वीडियो आप लोग कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, हमेशा हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ में बने रहिए।